विलिंगनेस सबमिट का जो यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग ये गलती ना करेंगे इस बार, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग से अगर ये गलती होता है तो बहुत बड़ा दिक्कत होगा। और विलिंगनेस में क्लिक, योर विलिंगनेस में क्लिक वही लोग करेंगे और सबमिट वही लोग करेंगे जिसको लगता है कि अब हमको अपना कॉलेज मिल चुका है जो हमें अपना चाहिए था, और अपना ब्रांच जो मिलना था वो मिल चुका है। वो लोग यस ये सबमिट ना करेंगे, नहीं तो आपको बिलिंग लिस्ट में जाइएगा, वहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। समझ गए, डॉक्यूमेंट निकलवाना है नहीं निकलवाना है सारा चीज़ हम बताएंगे, वो भी प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आप लोग संभल के इस स्टेप को कीजिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आपको बताते हैं शुरू से, आपको तो आपका ऑनलाइन जो है ये आपका ऑफलाइन होगा, मॉपअप काउंसलिंग, ठीक है, ये तो समझ रहे हैं। और आपका डेट ऑफ जो है वो 21 से स्टार्ट हो जाएगा 31 तक, ठीक है। ये आपका कब है, ये सबमिट करने का डेट है, समझ गए, मतलब ये सबमिट सिर्फ होगा। और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है सभी से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थी वेबसाइट इतना पर होम पेज पर जाकर विलिंगनेस फॉर द बीसीसी एली मॉप अप राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग पर क्या करेंगे, क्लिक करना है, ठीक है। उसके अनुसार निर्देशांक आपको क्या करना है, बीसीसी एली अपना रोल नंबर डालना है, जन्म तिथि डालना है, डाल करके क्या करना है उसको सबमिट कर देना है, सबमिट योर विलिंगनेस पे आपको कर देना है। तो सबमिट वही लोग करेंगे जिसको लगता है कि नहीं हमको और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, वही लोग, अन्यथा ना करेंगे, क्योंकि आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और क्यों किसी का आप दूसरे का एक सीट बर्बाद कीजिएगा, हो सकता है उस बेचारे को अगर मिलने का होगा तो मिल जाएगा, क्यों आप उसका सीट बर्बाद कीजिएगा, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसको करना है क्लिक और किसको करना है सबमिट, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, कंडिका में इतना काउंसलिंग के लिए जो है आपका विलिंगनेस ऑनलाइन जो है सबमिट करने के बाद इसको जो है खो देंगे अगर आप नहीं प्रिंट करके निकलवा के रखते हैं तो। और आपका जो ये होने वाला है ये कब से होगा, तो आपका ये 4 तारीख से होगा, 4/11 से लेकर, ठीक है, और ये 4/11 से होगा कहाँ, IAS भवन पटना। तो वहाँ पे आप लोग जा कर के आराम से इसको करवा लीजिएगा। बट वही लोग करें जिसका लगता है कि अपना ब्रांच मिल गया जो हमको चाहिए वही, अन्यथा दूसरे का सीट ना बर्बाद करें तो बढ़िया है, और इस सब के चक्कर में विलिंगनेस के चक्कर में ना पड़ें। जिसको नहीं मिला है बेचारा को, और जो लोग उम्मीद बैठाएँ कि लास्ट तक हमको मिल सकता है, तो उसके लिए कम से कम सीट छोड़ दीजिए आप लोग। क्योंकि आप लोग अगर मान के चलिए चेंज करते हैं जो भी लोग, तो हो सकता है कि उसको ना मिले या फिर उसको भी कुछ सामना करना पड़े। तो इसलिए जो है उस चीज़ को मतलब उसका सीट बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जब आपको जो कॉलेज मिलना था तो उसमें मिल ही गया, बट आप उससे भी बेटर चाह रहे हैं, तो किसी को उससे भी ख़राब मिला है। तो इसके लिए जो है आप लोग जो है थोड़ा सा वो कीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा, बाद बाकी तो आप लोग वही हैं। चलिए ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट।